गणपति का अनोखा और अद्भुत मंदिर। मंदिर में बना बप्पा का चित्र लगातार बढ़ रहा है। टीपू सुल्तान से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। भगवान गणपति को सुखकर्ता दुखहर्ता कहा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश सभी के दुख हर लेते हैं, क्योंकि आज यानी बुधवार के दिन भगवान गणेश को ही समर्पित है। तो हम आपको उनके एक ऐसे धाम को लेकर चलने वाले हैं जहां पर कोई प्रतिमा नहीं है, है तो सिर्फ एक चित्र, जिसके दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। आपको बता दें कि केरल में स्थित ये मंदिर मधुर महागणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का एक चमत्कार है जो हर किसी के लिए रहस्य बना हुआ है, वो है गणपति के चित्र का लगातार बढ़ना, मोटा होना। जी हाँ, आज तक आपने प्रतिमा की बढ़ने की बात सुनी और देखी होगी, लेकिन ये एक अनोखा मंदिर है जहाँ गणपति जी की प्रतिमा नहीं बल्कि उनका चित्र अपना आकार बदल रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार पहले ये भगवान शिव का मंदिर था, लेकिन पुजारी के छोटे से बेटे ने मंदिर की दीवार पर भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। कहते हैं मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई बच्चे की प्रतिमा धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी। वो हर दिन बड़ी और मोटी होती गई। उस समय से ये मंदिर भगवान गणेश का बेहद खास मंदिर हो गया। तो वहीं मंदिर की कहानी टीपू सुल्तान से भी जुड़ी है। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान अपनी विजय होने के बाद इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां पहुंचा था। प्यास लगी तो यहां के कुएं से पानी पिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपना दिमाग बदल लिया और मंदिर को बिना छेड़छाड़ किए हुए वहां से रवाना हो गया। लेकिन उसने मंदिर की छत में एक तलवार से हमला किया। हमले का प्रतीक है तलवार का वो निशान, अब भी संरक्षित है। अब ये मंदिर न केवल भक्तों को आकर्षित करता है बल्कि आर्किटेक्चर का भी एक उच्चतम नमूना है। तो चलिए अब आपको गणपति बप्पा के एक और चमत्कारी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर पुडुचेरी में मनुकुला विनायक मंदिर के नाम से स्थित है। यहाँ गणपति करते हैं भक्त की हर मनोकामना पूरी। प्रतिमा को समुद्र में फेंकने के बाद दोबारा प्रकट हो जाती है मूर्ति। गणेश मंदिर का इतिहास साल 1666 से पहले का है। शास्त्रों में गणेश जी के कुल 16 रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें से गणपति का ये रूप अत्यंत मनमोहक है। इनका मुख सागर की तरफ है, इसीलिए इन्हें भुवनेश्वर गणपति कहा जाता है। माना जाता है कि किसी जमाने में यहाँ गणेश मूर्ति के आसपास बालू ही बालू था, इसीलिए लोग इन्हें मनकुला विनायकर पुकारने लगे। तमिल में मनल का मतलब बालू और कुलन का मतलब सरोवर से है। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेंका गया, लेकिन प्रतिमा उस स्थान पर पुनः प्रकट हो जाती थी। इस दिव्य मंदिर की महत्ता का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।